Hello students, we are now beginning with a new topic, that is viewing objects in 3D space. Okay, or viewing objects in 3D space. तो इसमें सबसे पहली बात है viewing objects in different views. Viewing objects in different व्यूज, ठीक है, अलग अलग व्यूज में ऑब्जेक्ट्स को देखना. ठीक है, तो इस कड़ी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है प्रोजेक्शंस. ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रोजेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें पहला है आपका टू प्रोजेक्शन मेथड जो कि हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और पैरेलल प्रोजेक्शन. ओके, टू प्रोजेक्शन मेथड्स, दैट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड पैरेलल प्रोजेक्शन. ये प्रोजेक्शंस को डिफाइन करने के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है डिफरेंट व्यूज में. ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्शन जो मेथड्स हैं ये वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, अब इसमें प्रोजेक्शन में होता क्या है एक्चुअली में, वो ये होता है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट या ड्राइंग आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वो 2D मीडिया पे नज़र आए. ठीक है, 2D मीडिया पे नज़र आए. ठीक है, और ये किस तरह से कुछ पिक्टोग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, पिक्टोग्राफिक ड्राइंग इसमें कलर्स और शेडोज इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि ये इंप्रेशन दे 3D ऑब्जेक्ट का. कलर्स और शेडो, ठीक है, और ये किस चीज़ पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन लाइन ऑफ साइट एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है एक सिंपल सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. इसका मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ एक ड्राइंग को डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करके. ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका प्लेन है, वो प्लेन जिसपे की प्रोजेक्शन होगा. ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका अगर हमको इस 2D फिगर में, ये जो फिगर है, पेपर है, इसे हम कहेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर हम इसको इस फिगर में, पेपर है जो कि 2D है, इसमें अगर 2D में अगर हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ साइट है, डिफरेंट 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 लाइन ऑफ साइट्स हैं। ओके, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एक रेक्टेंगल जिसमें कि पीछे वाला पोर्शन नजर आ रहा है, तो वो कुछ इस तरह से है। ओके, तो ये आपकी हो गई क्या पैरेलल लाइंस ऑफ साइट, पैरेलल लाइंस ऑफ साइट। तो इनको जो है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है इस तरह से। ये आपके लाइन ऑफ साइट के हिसाब से इस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट होती चली जा रही हैं। ओके, ये बीच का पोर्शन, ये जो बीच का पोर्शन है, ये जो खाली, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि मान के चलिए कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, अगर यहाँ लाइट सोर्स आपने रख दिया, लाइट सोर्स अगर यहाँ पर रख दिया, तो ये लाइट सोर्स जब यहाँ से रोशनी डालेगा इन ऑब्जेक्ट्स पे, है ना, लाइट रोशनी डालेगा इन ऑब्जेक्ट्स पे, तो यहाँ पे क्या इमेज बन के आएगी, इमेज कार्ड या फिर शेडो, और क्या इमेज बन के आएगी, वो ही यहाँ पे क्या होगा, वो ही यहाँ पे होगा क्या, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, सो यू गेट द पॉइंट, व्हाट इज प्रोजेक्शन, व्हाट इज पैरेलल लाइन ऑफ साइट, क्या है, है ना, पैरेलल लाइन ऑफ साइट क्या है, क्या है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको क्या समझ में आया। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी, पर यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।